और मुंबई में इस साल मॉनसून की जानकारी लोगों को मोबाइल पर ही मिल सकेगी। मौसम पर शोध में लगी देश की पहली निजी कंपनी स्काई मैट की ओर से इसके लिए तैयारी की जा रही है। ये कंपनी पिछले 9 साल से मौसम के अनुमान और असर के बारे में जानकारी मुहैया करा रही है। 26 जुलाई 2005 के बाढ़ की यादें मुंबईकरों के जहन में अब भी ताजा हैं। कुछ ही घंटों में हुई 900 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर में कहर ढा दिया था और लाखों लोग सड़क पर फंस गए थे। लेकिन मौसम पर नजर रखने वाली देश की पहली निजी कंपनी स्काई मेट ने मुंबई के लोगों को मानसून की मार से बचाने की पहल की है। इस बारिश में मुंबईकर अपने मोबाइल पर मौसम के पल पल की जानकारी पा सकेंगे। इस सिलसिले में स्काईमेट कुछ मोबाइल ऑपरेटरों की मदद लेने जा रही है। शुक्रवार को मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। इस बार हमारा एक कमिटमेंट है कि हमारे पहले वेबसाइट से कि अगले 1-2 दिन में अच्छे परसेंटेज फॉर एक्यूरेसी के साथ हम ये बता सकेंगे कि क्या मुंबई में अच्छी बारिश होने वाली, क्या वो दिन है कि नहीं है। कार्यक्रम में मौजूद मौसम से जुड़े जानकारों और कॉर्पोरेट जगत की हस्तियों ने स्काईमेट की इस पहल का स्वागत किया। स्काईमेट का 5-6 डे फोरकास्ट होता है, वो बहुत एक्यूरेट होता है और रीजनल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, स्काईमेट ने खेती को नुकसान से बचाने के लिए किसानों तक मोबाइल और दूसरे माध्यमों से मौसम की जानकारी पहुंचाने की तैयारी की है। किसान लोगों को हम थ्रू SMS भेज रहे हैं, वीकली ट्वाइस हमको फोन करेंगे और हम इनको समाधान जो भी उचित है वो दे देंगे इनको। गौरतलब है कि स्काईमेट पिछले 9 साल से अपने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नेटवर्क के जरिए तापमान, बारिश, हवा की गति, दिशा और नमी को लेकर डेटा इकट्ठा करने का काम कर रही है। स्काईमेट के ग्राहकों में मीडिया, एग्रो बिजनेस, बिजली और फसल बीमा करने वाली कंपनियां शामिल है। तेजस्विनी कमलकर, जी न्यूज, मुंबई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरें लेकर।